आप जानते हैं कि यदि किसी ठोस पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः डुबोया जाता है तो उसके भार में होने वाली आभासी कमी लिए गए द्रव के प्रकृति पर निर्भर करती है। आज के प्रयोग में हम एक ठोस को दो अलग अलग द्रवों में पूर्णतः डुबोकर ये देखेंगे कि उसके भार में होने वाली आभासी कमी तथा ठोस द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बीच क्या संबंध है। तो आइए हम प्रयोग में आने वाले उपकरणों को देख लें। अरंधरी ठोस, कमानीदार तुला, आपलावी बर्तन, मापक सिलेंडर, जो दो हमने अलग अलग द्रव लिए हैं वे हैं एक साधारण जल जिसका घनत्व है 1.0 ग्राम प्रति मिलीलीटर अर्थात 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर, दूसरा नमक का सांद्र विलयन है जिसका घनत्व हमने पहले से ही ज्ञात कर लिया है वह है 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर अर्थात 1200 किलोग्राम प्रति घन मीटर, एक हमने ये अतिरिक्त बीकर लिया है प्रयोगशाला स्टैंड, एक लकड़ी का गुटका, हमने ये वस्तुएं ऊंचाई को समायोजित करने के लिए ली हैं। आइए अब हम अपने उपकरणों के बारे में थोड़ा सा जान लें। आप सब कमानीदार तुला से तो परिचित ही होंगे। इस प्रयोग में हम इस तुला से भार मापेंगे। आप इस तुला को ध्यान से देखिए, इसे 0 से 5 न्यूटन तक अंकित किया गया है अर्थात इस तुला से हम अधिकतम 5 न्यूटन तक भार माप सकते हैं। इस तुला का परास 0 से 5 न्यूटन है, तो आइए इसे नोट करें। इस तुला को आप पुनः ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से इसके अंकित निशानों को देखें तो इसमें 0 से 1 न्यूटन के मध्य 10 उपभाग हैं अर्थात हर उपभाग का मान 0.1 न्यूटन है। इस तुला का अल्पतमांक 0.1 न्यूटन है, आइए इसे भी नोट करें। इस तुला को प्रयोग में लाने से पहले हम ये जांच लें कि इसमें कोई शून्यांक त्रुटि है या नहीं। आप देख रहे हैं कि जब इस तुला से मैंने कोई वस्तु नहीं लटकाई है तो इसका संकेतक 0 पर है अर्थात इस तुला में कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है। परंतु यदि संकेतक 0 पर ना हो तो उस तुला में शून्यांक त्रुटि होगी और हमें मापे गए भार में उचित संशोधन करना होगा। आइए अब हम मापक सिलेंडर के बारे में भी थोड़ा सा जान लें। इसमें अंकित मापों को आप ध्यान से देखें। इसे 10 से 100 मिलीलीटर तक अंकित किया गया है। अर्थात इस मापक सिलेंडर से हम अधिकतम आयतन 100 मिलीलीटर तक माप सकते हैं। इस सिलेंडर का परास 10 से 100 मिलीलीटर है, इसे भी नोट करें। आप इस सिलेंडर में अंकित निशानों को पुनः ध्यान से देखें। इसमें 10 से 20 मिलीलीटर के मध्य 10 उपभाग हैं अर्थात हर उपभाग का मान 1 मिलीलीटर है। इस सिलेंडर का अल्पतमांक 1 मिलीलीटर है, इसे भी हम नोट करते हैं। हमने आपलावी बर्तन इसलिए लिया है क्योंकि इस बर्तन में हम अधिकतम 1 ही सतह तक द्रव भर सकते हैं। अगर हम थोड़ा अतिरिक्त द्रव भरेंगे इसमें
तो वो इसके वितुंड से बाहर निकल जाएगा। हमने ये प्रयोगशाला स्टैंड लिया है, इससे हम अपनी कमानीदार तुला लटका सकते हैं। आइए अब हम प्रयोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अरंधरी ठोस का भार वायु में मापती हूँ, जिसके लिए मैं इस कमानीदार तुला को इस प्रयोगशाला स्टैंड से लटकाती हूँ। यहाँ आप ध्यान रखें कि आपका तुला ऊर्ध्वाधर लटका हुआ हो। तो आइए हम इस अरंधरी ठोस का वायु में भार मापते हैं। यहां आप ध्यान रखें कि आपका ठोस मुक्त रूप से वायु में लटके। अब हम कमानीदार तुला का पाठ्यांक नोट करते हैं। यहां आप ध्यान रखें कि आपकी दृष्टि रेखा संकेतक की सीध में हो। आपको पाठ्यांक नोट करते समय यह भी ध्यान देना है कि संकेतक विराम अवस्था में हो। तो यहां इस ठोस का वायु में भार है 1.1 न्यूटन, इसे मैं नोट करती हूं। अब हम इस ठोस का साधारण जल में भार मापेंगे। सबसे पहले हम आपलावी बर्तन रखते हैं, ये लकड़ी का गुटका है। इस आपलावी बर्तन को हम साधारण जल से भरना शुरू करते हैं और इसे तब तक भरेंगे जब तक कि इसके वितुंड से जल बहना शुरू ना हो जाए। आप देखेंगे कि इस वितुंड से जल बहना शुरू हो गया है। अब हमें प्रतीक्षा करनी है जल के आखिरी बूंद के टपकने तक। अतिरिक्त जल हम इस खाली बीकर में एकत्रित कर रहे हैं। हमें ये सुनिश्चित करना है कि आपलावी बर्तन जल से पूर्णतः भरा हुआ है। हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी है जल के आखिरी बूंद के गिरने तक। अब हम अपना मापक सिलेंडर, जो कि हमारा साफ और शुष्क है, इसको आपलावी बर्तन के वितुंड के नीचे रखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस आपलावी बर्तन के वितुंड के नीचे हमने एक साफ और शुष्क मापक सिलेंडर रखा है। इसमें हम ठोस द्वारा विस्थापित जल का आयतन मापेंगे। अब आप देख रहे हैं कि इस ठोस को मैं साधारण जल में पूर्णतः डुबो रही हूं और साथ ही विस्थापित जल मापक सिलेंडर में एकत्रित हो रहा है। आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि आपका ठोस इस आपलावी बर्तन को छुए नहीं और आपको प्रतीक्षा करनी है जब तक कि सारा जल इस मापक सिलेंडर में एकत्रित नहीं हो जाए। अब हम इस जल में डूबे ठोस पिंड का भार मापते हैं कमानीदार तुला से। आप फिर से ध्यान रखें कि आपकी दृष्टि रेखा संकेतक की सीध में हो। यहां मुझे इस ठोस पिंड का
साधारण जल में भार 0.7 न्यूटन है। इसे हम नोट करें। अब हम इस ठोस पिंड द्वारा विस्थापित जल का आयतन नोट करते हैं इस मापक सिलेंडर से। आपको यहां ध्यान रखना है कि आपका मापक सिलेंडर क्षैतिज पृष्ठ पर रखा हो और पाठ्यांक नोट करते समय आप ये ध्यान दें कि इस जल की निचली स्थल आपकी दृष्टि रेखा की सीध में हो। यहां पे पाठ्यांक है 44 मिलीलीटर, इसे हम नोट करते हैं। मिलीलीटर से घन मीटर में परिवर्तित करने के लिए हम 44 को 10^6 से भाग कर देंगे। मापक सिलेंडर में एकत्रित जल का भार 0.43 न्यूटन आया। ठोस के भार में कमी, जबकि वह जल में पूर्णतः डूबा हुआ है, वह है 0.4 न्यूटन। जल में ठोस के भार में कमी तथा ठोस द्वारा विस्थापित जल के भार में जो अंतर आया है वह है 0.03 न्यूटन। तो आइए अब हम इस रंध्रहीन ठोस को साधारण जल में डुबोकर दो प्रेक्षण और लेते हैं। अब हम नमक के सांद्र विलयन में डूबे पिंड का भार मापेंगे। ये आपलावी बर्तन मैंने साफ करके रखा है यहां पे। इसे हम नमक के घोल से भरेंगे और याद रखें एक अतिरिक्त बीकर आपको रखना है इस द्रव को एकत्रित करने के लिए। हमें इस आपलावी बर्तन को नमक के सांद्र विलयन से तब तक भरना है जब तक कि इस वितुंड से ये नमक का सांद्र विलयन बहना शुरू ना हो जाए। अब हम इस विलयन की आखिरी बूंद के गिरने तक प्रतीक्षा करेंगे। इससे हमें ये सुनिश्चित हो जाएगा कि ये आपलावी बर्तन नमक के सांद्र विलयन से पूर्णतः भरा हुआ है। आप देख रहे हैं कि अभी इस विलयन का गिरना बंद नहीं हुआ है, आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। अब हम पहले की तरह एक साफ और शुष्क मापक सिलेंडर इसके वितुंड के नीचे लगाते हैं जो कि इस नमक के सांद्र विलयन को एकत्रित करेगा। अब हम इस ठोस पिंड का इस नमक के सांद्र विलयन में भार मापेंगे जब हम इसको पूर्णतः डुबोते हैं। धीरे धीरे हम इस पिंड को इस नमक के सांद्र विलयन में डुबाते जा रहे हैं और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये ठोस इस आपलावी बर्तन को छुए नहीं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये नमक के सांद्र विलयन में इस पिंड के डूबने से ये विस्थापित विलयन इस मापक सिलेंडर में एकत्रित हो गया है। आपको फिर से प्रतीक्षा करनी होगी जल के आखिरी बूंद के टपकने तक। अब हम
इस नमक के सांद्र विलयन में इस ठोस पिंड का भार मापते हैं। बताई गई सावधानी फिर से बरते, आपकी दृष्टि रेखा संकेतक की सीध में हो और आपको यह पाठ्यांक तभी नोट करना है जब संकेतक विराम अवस्था में हो। तो यहां मुझे इस ठोस पिंड का भार 0.5 न्यूटन दिख रहा है। अब हम इस तुला का पाठ्यांक नोट करते हैं, 0.5 न्यूटन। अब इस मापक सिलेंडर में एकत्रित नमक के सांद्र विलयन का आयतन नोट करें। आप ध्यान रखें कि इस विलयन का निचला स्थल आपकी दृष्टि रेखा की सीध में हो। यहां मुझे आयतन 44 मिलीलीटर दिख रहा है। इस आयतन को हम नोट करते हैं। इस आयतन को आप बताई गई विधि से घन मीटर में परिवर्तित करें। इसे हम नोट करते हैं। ठोस के भार में कमी जब वे नमक के सांद्र विलयन में डूबा हुआ है वह है 0.6 न्यूटन। मापक सिलेंडर में एकत्रित नमक के सांद्र विलयन का भार आता है 0.52 न्यूटन। तो अब हम निकालते हैं नमक के विलयन में ठोस के भार में कमी तथा ठोस द्वारा विस्थापित नमक के विलयन के भार में अंतर। वे हमारा आया है 0.08। इन प्रेक्षणों को हम नमक के सांद्र विलयन में दो बार और दोहराते हैं। तो इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकला कि जब हम किसी ठोस को किसी द्रव में पूर्णतः डुबोते हैं तो उसके भार में जो आभासी कमी आती है वह उस ठोस द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। तो आइए हम पुनरावृत्ति करें। आज हमने देखा कि किस प्रकार एक ठोस पिंड को दो अलग अलग द्रवों में पूर्णतः डुबोकर उसके भार में आभासी कमी को ज्ञात किया जा सकता है। विस्थापित द्रव का भार जानने के लिए हमने विस्थापित द्रव के आयतन को नापकर उसे उसके ज्ञात घनत्व से गुणा किया। हमने यह देखा कि ठोस द्वारा विस्थापित साधारण जल तथा नमक के विस्थापित सांद्र विलयन का आयतन बराबर है, लेकिन ठोस के भार में आई आभासी कमी दोनों स्थितियों में अलग अलग है। ऐसा इसलिए है कि नमक के सांद्र विलयन का घनत्व साधारण जल के घनत्व से
अधिक है। दोनों स्थितियों में ठोस के भार में आई आभासी कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर पाई गई।